इंटरमीडिएट की स्पेलिंग क्या होती है? INTERMIDIAT आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बोलिए। अरे वो और प्रसन्न, कोई बात नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनउपकार न्यूज में। इस समय जो है लखनऊ में हूँ। लखनऊ में जो है हमारे साथ में भाई साहब मिले हुए हैं, ये अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, अपनी बातों को हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। आखिर इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग, यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्विगी शायद आप करते, राइट? स्विगी में आप जॉब कर रहे हैं और आप किसी मुद्दे पे बोलना चाह रहे थे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। मैं बेरोजगारी के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ कि इस समय हमारे नवयुवक बहुत बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़े लिखे उनको कोई नौकरी के लिए बड़ी समस्या हो रही है और बहुत हमारे मजदूर किसान हर जगह परेशान है इस समय बेरोजगारी से। उनको बेरोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी सब अपनी रोजी रोटी के लिए एक बहुत उनको लाले पड़ गए हैं। क्यों, अब तो जब से मोदी जी 2014 से सत्ता में आए हैं, केंद्र सरकार में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उसके बाद में मोदी के जो है ही नक्शे कदम पे चलने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जिस समय जो है सत्ता की कमान संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बाद में लोगों का कहना यह है कि तमाम प्रकार के रोजगार, जैसे कि अभी आप स्विगी कर रहे हैं, तो हम आपसे छोटा सा प्रयास करते हैं। पहले तो लोग स्विगी, जो आप बोलते हैं स्विगी, जोमैटो या जो भी लोग डिलीवरी पार्टनर फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उनको पहले तो लोग हीन भावना से देखते हैं। हीन भावना देखते नहीं देखते लोग? हाँ देखते हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे भाई साहब, दिन का आप कितना कमा लेते हैं? अरे अपना मजदूरी के हिसाब से, अपना रोजी रोटी के लिए क्या करें, 200-500 रुपए। सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है? इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट? हाँ। बढ़िया से पढ़ाई किए थे? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहेंगे इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बता दीजिए आप। हैं? इंटरमीडिएट आपने बताया ना, इंटरमीडिएट कर रखे हैं आपने, कहा ना बेरोजगारी, इस पे ही सबसे बड़ा तीखा सवाल ये है, प्रश्न बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपने प्रश्न पूछा है बेरोजगारी के ऊपर, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसीलिए है क्योंकि लोग एजुकेशन तो किए, डिग्री तो लिए, लेकिन डिग्री के बराबर योग्यता नहीं है। मेन कंसर्न ये है, इस चीज को मानते हैं आप? मानते हैं, लेकिन फिर भी इस समय पेपर जो इस समय हमारे यशस्वी योगी मुख्यमंत्री जी हैं और इस समय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाने कारण बेरोजगारों को इस समय नौकरियां नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी रोड पर घूम रहे हैं। तो इसका उपचार क्या मानते हैं, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, आपके पास कोई सुझाव है? अरे सुझाव है, इसमें हमारे सरकार जो यशस्वी योगी जी है उनका ही विचार है कि वो अपना अपने नियम से हमारे जो विद्यार्थी पढ़े लिखे अच्छे घूम रहे हैं उनका रिकॉर्ड जो है आगे के लिए भविष्य के लिए खराब हो रहा है, तो उनको नौकरी की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, ऐसी नौकरी, हर इंसान को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं पाएगी, आपका कहने का मतलब ये हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उनका विशेष ध्यान उनको चाहिए कि ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये क्या कारण है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जो पेपर लीक की आप बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती के पेपर लीक हुई थी, उसके बाद में आपको पता होगा कि शायद आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में जिन लोगों ने पेपर लीक किया था उसकी पूरा काला चिट्ठा जो है खुल चुका है, और खुलने के बाद में उन लोगों को सजा भी मिली है। तो गलतियां तो होती रहती है, सभी लोग पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप क्या सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं, और जो लोग आपके स्विगी पार्टनर हैं या डिलीवरी पार्टनर फूड डिलीवरी का काम करते हैं, क्या अन्य लोग जो लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं, क्या उनको आप ये ऑफर करना चाहेंगे कि वो भी आए मेहनत करना चाहें? क्या लगता है, मेहनत करने वाला इंसान भूखा आज की डेट में रह सकता है क्या? अरे भूखा नहीं रह सकता, लेकिन उनको अच्छी पढ़ाई करने के बाद अगर उनको नौकरी जॉब अच्छा नहीं मिला तो उनका भविष्य नेचर बेकार हो जाता है, भविष्य उनका लाइफ बेकार हो जाता है। यही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो आगे के जो नौकरियों के लिए विशेष ध्यान करके नौकरी जगह निकालें और उसमें रोजी रोटी के लिए उनको रोजी रोटी मिले, ताकि उनका अच्छे से घर निर्माण अपना कर सके तो भाई साहब अपनी बात रख रहे हैं फिलहाल, आपको जल्दी में लग रहे हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे भैया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि आपने बेरोजगारी के ऊपर जो आपने बोलने का प्रयास किया, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे मैंने आपसे एक बहुत ही तीखा छोटा सा मामूली क्वेश्चन, वैसे तो मेरे बहुत तीखे क्वेश्चन होते हैं, बहुत वो ठीक बात है, कैंसिल हो गया आपका ऑर्डर, मैंने देखा लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं, लोग डिग्री तो दिखाते हैं, मेरे पास जो है डिग्री है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन डिग्री के बराबर उनके पास योग्यता नहीं होती। जिस तरीके से हमने अभी आपसे पूछा, जैसे आपने आपसे पूछा, मैंने पहला प्रश्न था कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो आपने बताया कि मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी है। जैसे मैंने आपसे प्रश्न का आंसर दोबारा से पूछ दिया कि इंटरमीडिएट की स्पेलिंग क्या होती है, शायद आप कांप गए।
काम नहीं किया, लेकिन बहुत दिन से उसका मतलब हम लोग छोड़े नहीं, अपने धंधे बिजनेस की बात है। स्पेलिंग ही तो पूछी है, नहीं नहीं कोई बहुत बड़ा मैटर तो नहीं पूछ लिया आपसे, नहीं कोई बहुत बड़ा तो सब्जेक्ट के अंदर घुस के नहीं पूछ लिया, स्पेलिंग ही तो पूछी है। इंटरमीडिएट की स्पेलिंग कोई बहुत बड़ी स्पेलिंग नहीं होती। INTERMIDIATE इंटरमीडिएट। चलो अब आपकी कॉन्फिडेंस में हो, कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने माध्यम से वो ये कि लोग डिग्री तो लेते हैं लेकिन डिग्री के बराबर योग्यता नहीं होती। शायद यही कारण है कि लोग आज बेरोजगार हैं, या तो लोग अपनी मेहनत से कमाई करना नहीं चाहते, कमा करके खाना नहीं चाहते, लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हैं तो क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी हो। सरकार भी उम्मीद करती है कि कम से कम आप भी इस देश के लिए कुछ भागीदारी निभाएं। क्यों? बहुत सही वर्ड है आपके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। समय हो रहा है, नए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारा एक अदर भी